तो हाय, आपको पता है म्यूचुअल फंड ब्रॉडली जो डिवाइडेड है वो तीन पोर्शन में डिवाइडेड है। एक होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड, एक होता है डेट फंड, एक होता है हाइब्रिड फंड। इक्विटी का मतलब टोटल जितना भी आप पोर्शन देंगे सारे के सारे जो लमसम अमाउंट आप देंगे वो इक्विटी में जाएगा। एक होता है डेट, मतलब वो बॉन्ड्स में, बॉन्ड होते हैं, ज्वेलरी वगैरह होते हैं, अलग अलग टाइप्स के और भी फंड इनके अंदर आते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। तो वो सारे पैसे जो है डेट में इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है हाइब्रिड, जो प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेंगे, अगर 40% अगर उसने डाला है आपको इक्विटी में तो 40% वो डालेगा डेट में। इसके अलावा कुछ स्पेशल फंड होते हैं। एक फंड है इंटरनेशनल फंड, मतलब वो अपने पैसे को हमसे पैसे लेंगे, पैसे जो उन्होंने पुल किया हुआ है कुछ इंडियन मार्केट में लगाएंगे, कुछ विदेशी कंपनियों में लगाएंगे, मतलब फॉरेन में जाके इन्वेस्ट करते हैं। एक होता है टैक्स ओरिएंटेड फंड, मतलब आपके जो ATC है हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ATC में क्या है कि 150 लाख के अंदर एक साल में आपको टैक्स डिडक्शन हो जाएगा अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है किसी टैक्स डिडक्शन फंड, तो टोटली ओरिएंटेड टैक्स के लिए होता है। एक होता है रिटायरमेंट के लिए, सपोज आजकल आपको पता है रिटायरमेंट में मिल नहीं रहा है, इवन डिफेंस में भी शायद बंद हो गया है, तो अगर आपको रिटायरमेंट के लिए कहीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है फंड ऑफ फंड, मतलब एक फंड जो है खूब सारे अलग अलग म्यूचुअल फंड की कंपनियों को बाई करेगा और सब उनको हाइब्रिड उनका बनाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस।